हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास 3 इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर जीके टीचर. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट पेज नंबर 47 द इंटरनेशनल लीडर. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 47. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. वी विल स्टार्ट पेज नंबर 47 इंटरनेशनल लीडर. सो नाउ लुक एट हियर. Who are these the famous leader? Write the correct letter in the box below. यहाँ पे क्या दिए है, पिक्चर्स दी है और यहाँ पे नाम दिए हैं, तो हमें उनके करेक्ट लेटर लिखना है. सो फर्स्ट इज द लुक एट हियर. फर्स्ट हम बॉक्स देखेंगे. यहाँ पे क्या है, शेख हसीना, देन क्वीन एलिजाबेथ टू, देन वालादिमिर पुतिन, देन उसके बाद रानिल विक्रम सिंह, जस्टिन टेरुडिन्स, देन जिग्मे खेसर नामगल वेंचुक, जिग्मे खेसुर नामगल वेंचुस. तो यही यहाँ पे क्या दी है, बॉक्स में नाम दी है, तो हमें उनके लेटर लिखना है कि वो कौन से नाम के. ठीक है. सो फर्स्ट पिक्चर लुक एट हियर. देयर इज कमिंग डी नंबर. सो डी नंबर इज द रानिल विक्रम सिंह. ये कौन है, रानिल विक्रम सिंह. ये क्या है, फेमस लीडर है, इंटरनेशनल फेमस लीडर्स है. ठीक है. देन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में आता है, सॉरी ये आता है डी, हाँ करेक्ट है. देन सेकंड नंबर में आता है ए नंबर. ए नंबर में क्या है, शेख हसीना. ये क्या है, शेख हसीना. ये इंटरनेशनल क्या है, लीडर्स है फेमस. देन ई नंबर, यहाँ पे क्या आता है, थ्री नंबर में, ई नंबर में, ई नंबर का क्या है, जस्टिस टेरिड्यू. देन ये है सी नंबर का. ये कौन है, सी नंबर का, इनका नाम क्या है, वालादिमिर पुतिन इनका नाम है. देन ये बी नंबर का क्वीन एलिजाबेथ टू. कौन है ये, क्वीन एलिजाबेथ टू. देन यह है सिक्स नंबर में क्या आता है, एफ नंबर का जिग्मा खेल नागमल वांगचुक. ये क्या है, ये फेमस लीडर है. सो दिस इज द पेज नंबर 47. नाउ लुक एट पेज नंबर 48. वी नीड प्लांट. यस आर नो, यस वी नोट प्लांट्स. सो लुक एट हियर. वी ईट अ सीड्स. हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं. तो यहाँ पे बॉक्स में एस लिखना है, जो यहाँ पे नाम दिए उसके. सीड्स खाते हैं तो एस लिखना है, रूट्स खाते होंगे तो आर लिखना है, स्टीम खाते होंगे तो एस टी लिखना है, लीव्स खाते हो तो एल लिखना है, एंड फ्लावर खाते उसके तो एफ लिखना है. ऑफ द सम प्लांट्स विच पार्ट दिस प्लांट डू वी ईट, रिटर्न द करेक्ट लेटर नेक्स्ट इन ईच. किसी प्लांट के हम क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट के रूट खाते हैं, किसी प्लांट के स्टीम खाते हैं, किसी प्लांट के लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट के हम फ्लावर खाते हैं. तो यहाँ पे हमें लिखना है. ठीक है. सबसे पहले ब्रोकली. ब्रोकली का हम क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं. ब्रोकली का हम फ्लावर खाते हैं. देन कोरिएंडर. कोरिएंडर का हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं. उसके बाद टर्मिक. टर्मिक का क्या होता है, स्टीम होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर बारीक करके हम खाते हैं टर्मिक को. देन सेलरी. सेलरी के भी हम क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं. सेलरी के भी हम स्टीम खाते हैं. जिंजर. जिंजर का भी हम स्टीम खाते हैं. देन कैबेज. कैबेज के क्या खाते हैं हम, पत्ते, लीव्स खाते हैं. देन टर्निप. टर्निप का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं. टर्निप का हम रूट खाते हैं. देन बीट रूट. बीट रूट का भी हम रूट खाते हैं. राइस. राइस कौन से फॉर्म में खाते हैं हम, सीड फॉर्म में खाते हैं. बीन्स. बीन्स के भी हम सीड्स खाते हैं. पीस. पीस के हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, इसके भी हम सीड्स खाते हैं. पोटैटो. पोटैटो के हम स्टीम खाते हैं. देन ओनियन. ओनियन के भी स्टीम खाते हैं. देन स्पैनिश. स्पैनिश के हम लीव्स खाते हैं. गार्लिक. गार्लिक के भी हम स्टीम खाते हैं. एंड मेज. मेज के भी हम क्या खाते हैं, मेज के भी हम सीड्स खाते हैं. मेज मतलब क्या होता है, कॉर्न बोलते हैं उसको. मेज मतलब कॉर्न. कॉर्न के हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं. तो
ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, इन यूअर ओन फाइंड ऑफ द बुक मेक यूअर सेपरेट लिस्ट ऑफ द प्लांट दैट गिव अ ऑयल मेडिसिन फाइबर्स एंड परफ्यूम। कुछ प्लांट से हमें परफ्यूम मिलता है, ऑयल मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, परफ्यूम मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट दिए हैं उसमें से वो प्लांट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं। सबसे पहले दिस इज द नीम, नीम का यूज़ हम मेडिसिन के लिए करते हैं, नीम का यूज़ हम मेडिसिन के लिए भी करते हैं। देन सेकंड ये पॉपी, पॉपी ये पॉपी के जो फ्लावर के सीड्स होते हैं उसका यूज़ मेडिसिन के लिए करते हैं, पॉपी प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। देन उसके बाद अ मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड का यूज़ हम ऑयल बनाने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, ऑयल बनाने के लिए। देन उसके बाद सीना चोना की जो यूज़ होता है वो उसका यूज़ मेडिसिन के लिए करते हैं, सीना चोना का यूज़ मेडिसिन के लिए करते हैं। जूट, जूट का यूज़ फाइबर बनाने के लिए करते हैं, जूट किसका यूज़ करते हैं, फाइबर बनाने के लिए। देन जास्मिन, जास्मिन का यूज़ ऑयल बनाने के लिए भी करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं, जास्मिन प्लांट के ऑयल बनाने के लिए भी करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं। देन उसके बाद लेवेंडर, लेवेंडर का यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं क्योंकि उसके स्मेल बहुत अच्छे आते हैं, जास्मिन की और लेवेंडर की भी। देन कॉटन, कॉटन का यूज़ किसके लिए करते हैं, कॉटन का यूज़ फाइबर बनाने के लिए करते हैं, कॉटन का यूज़ हम फाइबर बनाने के लिए करते हैं। सो दिस इज़ द पेज नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 8, ए में हमने क्या लिखा है कि कौन से प्लांट्स का हम रूट यूज़ करते हैं, स्टीम यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं एंड फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, उसका खाने के लिए किस में यूज़ करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये जो प्लांट्स दिए हैं उसका यूज़ हम ऑयल बनाने के लिए करते हैं, मेडिसिन के लिए करते हैं, फाइबर के लिए करते हैं कि परफ्यूम के लिए करते हैं, तो उसका यूज़। नाउ पेज नंबर 49, नेम ऑफ दिस क्रिएचर्स, ओके, आइडेंटिफाई दिस एनिमल एंड बर्ड्स, राइट अ करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स। यहाँ पे नाम दी है बॉक्स में, यहाँ पे पिक्चर दी है, तो उनके करेक्ट नाम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नाम दिया है पांडा, देन कीवी, डक, बिल्टेक, प्लेटोप्लस, ओटर, बाइसन्स एंड डॉल्फिन। सो फर्स्ट दिस ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस, दिस इज द डॉल्फिन, दिस इज द डॉल्फिन। देन सेकंड पिक्चर व्हाट इज दिस, दिस इज द डक, बिल्टेक, प्लेटोप्लस, डक, बिल्टेक, प्लेटोप्लस। देन ये दिस ऑल्सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, दिस इज द पांडा, व्हाट इज दिस, दिस इज द पांडा। देन क्वेश्चन नंबर ई, दिस इज द बायसन, इसको क्या बोलते हैं, बायसन। देन दिस इज द कीवी, दिस इज द कीवी एंड दिस इज द डी नंबर, दिस इज द ओटर, दिस इज द ओटर। So this is the page number 49. Now look at page number 50. Indian food quiz. Indian food quiz. Number 1. What is the name of the spice? What is the name of the spicy dal that is eaten with dosa, idlis and vadas? कौन से वो जो दाल होती है स्पाइसी वाली दाल होती है जो हम डोसा के साथ, इडली के साथ एंड वड़ा के साथ खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सांबार। सांबार हम इडली के साथ खाते हैं, डोसा, दिस इज़ नॉट, इडली के साथ खाते हैं, डोसा के साथ खाते हैं एंड उसके बाद हम किसके साथ खाते हैं, वड़ा के भी साथ खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सांबार। इन इंडिया Do we eat more orange in winter or in a summer? जो orange होता है उसको हम winter में ज़्यादा खाते हैं कि summer में? जो orange होता है वो ज़्यादा कब मिलता है, winter में, तो हम जो orange होता है वो ज़्यादा हम कब खाते हैं, winter में। Now 3 number, is the sweet dish you eat after the male's call? Sweet dish जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं उसको हम डेजर्ट बोलते हैं, और डेजर्ट
ये दोनों भी डेजर्ट का स्पेलिंग है, लेकिन उसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग आता है? DESSERT, डेजर्ट। डेजर्ट हम कब खाते हैं? खाना खाने के बाद हम क्या खाते हैं? डेजर्ट को खाते हैं, जो क्या होती है? स्वीट डिश होती है। वॉट इज द कॉमन इंडियन हिंदी नेम फॉर अ कॉटेज चीज? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं जो क्या होते हैं डेजर्ट और सॉरी कॉटेज ऑफ चीज, जो चीज से बना हुआ कॉटेज चीज होता है उसको हम बोलते हैं पनीर। हमारे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? कॉटेज चीज बोलते हैं उस, हमारे हिंदी में उसको हम बोलते हैं पनीर, उसको हम क्या बोलते हैं? पनीर, PENEER, पनीर। देन 5 नंबर, विच ऑफ दिस डज नॉट कंटेन अ राइस? इडली, बिरयानी, पुलाव, वड़ा एंड डोसा। इसमें ये जो नाम दिए है इसमें हम राइस नहीं डालते। कौन से फूड में हम राइस नहीं डालते? यहाँ पे कह दिया है इडली, बिरयानी, पुलाव, वड़ा एंड डोसा। इडली भी हम राइस से बनाते हैं, बिरयानी भी हम राइस से बनाते हैं, पुलाव भी राइस से बनाते हैं, राइस नहीं डालते। डोसा में भी हम राइस डालते, तो इसका आंसर आता है वड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ दिस डज नॉट कंटेन अ राइस, मतलब इसके अंदर राइस नहीं रहता है, तो उसका आंसर आता है वड़ा। वेयर डू पीपल ईट मोर फिश? राजस्थान और केरला, कहाँ पे लोग ज़्यादा फिश खाते हैं? राजस्थान और केरला। तो फिश कहाँ पे खाते हैं ज़्यादा? केरला में, क्योंकि वहाँ पे क्या है? बहुत सारे नदियाँ हैं, तो इसका आंसर आता है केरला। 7 नंबर, वॉट कैन यू ईट? फ्राइड, बॉयल, पोच एंड स्क्रैम्बल। किसको हम बॉयल करके, पोच करके, फ्राई करके और स्क्रैम्बल करके खाते हैं? तो वो आता है एग्स। एग्स को बॉयल करके भी खाते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं, पोच करके भी खाते हैं और स्क्रैप करके भी खाते हैं, तो इसका आंसर आता है एग्स। वॉट आर द फिश कट इंटू स्ट्रिप? वॉट आर फिश कट इंटू स्ट्रिप लाइक अ फिंगर्स, फ्राइड एंड सर्व्ड कॉल? जो फिश होते हैं उसको क्या करते हैं? स्ट्रिप में कट करते हैं, उसके फिंगर में कट करते हैं, जैसे हम फिंगर में कट करते हैं उसको फ्राइड करते हैं और उसके बाद उसको सर्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिश फिंगर। उसको क्या बोलते हैं? फिश फिंगर, क्योंकि वो कट कट करके उनको क्या करते हैं? सर्व करते हैं। देन नाउ लुक एट हियर, इज ईटन प्लेंटी ऑफ फ्राइड फूड गुड फॉर अस? हमें फ्राइड वाले फूड खाना चाहिए ज़्यादा, वो गुड होते हैं, गुड होते हमारे लिए? नो। सो इसका आंसर आता है नो। इज ईटन प्लेंटी ऑफ फ्राइड फूड गुड फॉर अस? फ्राइड वाले फूड खाना, ज़्यादा खाना अच्छा होता है, यहाँ पे बोल रहा है, तो ये क्या है? नो आता है, क्योंकि फ्राइड वाला फूड ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। लुक एट हियर, हियर सम गिविंग पिक्चर। फर्स्ट इज द पाव भाजी, ये है अपम एंड स्टीम, एंड दिस इज द ढोकला। दिस ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। सो दिस इज पेज नंबर 50। नाउ पेज नंबर 51, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दिए है, यहाँ पे बॉक्स में नाम दिए है, तो वो हमें करेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेंगे, सानिया नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर CV रमन, देन प्रतिभा पाटिल, रविंद्रनाथ टैगोर, देन बचेंद्री पाल, देन इंदिरा गांधी, देन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे क्या दिए हैं? नाम दिए बॉक्स में, यहाँ पे कुछ पूछा है तो उसके करेक्ट आंसर लिखना है। द फर्स्ट एंड ओनली वन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट मतलब इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी सबसे पहली और एक ही हमारी वुमन प्रेसिडेंट हो गई है इंडिया की, इनका नाम क्या है? डे नंबर का आता है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ही इंडिया की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी। द फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया कौन थी? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एंड ओनली इंडिया टू विन अ नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर. द फर्स्ट एंड ओनली इंडिया विन द नोबल प्राइज ऑफ इंडिया. तो उनका नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट इंडिया का नोबल प्राइज को जीता का फॉर अ लिटरेचर. द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. फर्स्ट इंडिया की ये क्या है, वुमन है, उसने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को. तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आता है बचेंद्री पाल. ये फर्स्ट वुमन थी जो क्या हो गए, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करती थी. द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उनका नाम क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. देन द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल. जो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे उन्होंने क्या किया था, ओलंपिक मेडल को जीता था. तो उनका नाम है सानिया नेहवाल ने फर्स्ट क्या दिखा था, बैडमिंटन प्लेयर का ओलंपिक मेडल को जीता था. द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबल प्राइज. फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडिया के नोबल प्राइज को जीता था, वो कौन है, डॉक्टर सी वी रमन. द इंडिया हु हैज़ स्कोर्ड मोर रन एंड मोर सेंचुरी इन द टेस्ट. इन्होंने बहुत सारे रन किए हैं, स्कोर्ड किए हैं एंड सेंचुरी किए हैं टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल देन एनी अदर क्रिकेट. सभी क्रिकेट में उन्होंने एक इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा सेंचुरी किए थे. उनका नाम क्या है सचिन तेंदुलकर. सो ये फर्स्ट नंबर की जो है आंसर है उसका इनका नाम क्या है प्रतिभा पाटिल. देन ये है फोर्थ नंबर में क्या थे, जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट का, उनका नाम है बचेंद्री पाल है ये ना. उसके बाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये है. देन ये है सानिया नेहवाल. इन्होंने क्या किया था बैडमिंटन प्लेयर है, उसने क्या किया था, ओलंपिक मेडल को जीता था. एंड ये सेवन नंबर, ये कौन है, इंडियन फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने नोबल प्राइज को जीता था, ये है डॉक्टर सी वी रमन. सो दिस इज द पेज नंबर 51. नाउ लुक एट पेज नंबर 52. थिंग्स एट होम. यहाँ पे थिंग्स दिए, वो घर में होती है. नेम द फॉलोइंग ग्रुप वन हैज बीन डन फॉर यूज. ये जो नाम दिए उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले सॉल्ट, मस्टर्ड एंड पेपर, उसको क्या बोलते हैं सीजनिंग. देन सोया सॉस, टोमेटो केचप एंड चिली सॉस, उसको क्या बोलते हैं, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए. तो उसको क्या बोले, फ्लेवरिंग. उसको क्या बोलते हैं, फ्लेवरिंग. देन क्लाव्स, कुकुम एंड सिनेमन, ये क्या है, स्पाइसेस है. ये क्या है स्पाइसेस है, उसका यूज स्पाइसेस के लिए करते हैं. देन उसके बाद कॉफ़ी, टी एंड लेमन स्क्वैच, ये क्या है बेवरेजेस है. यहाँ पे हमें बॉक्स में दिए भी हैं. देन उसके बाद राइस, फ्लोवर एंड कॉर्नफ्लॉक, उसको क्या बोलते हैं सेरेलल्स. देन कप, सॉसर्स एंड प्लेट्स, ये क्या है, क्रॉकरी. कप्स, सॉसर्स एंड प्लेट्स, उसको हम बोलते हैं क्रॉकरी. पेंसिल, पेन, इरेजर, ये क्या है, स्टेशनरी आइटम्स है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी आइटम्स होते हैं. नाइफ फॉक्स एंड स्पून, ये क्या होते हैं, कटलरी. यहाँ पे दिए भी थी, हमें यहाँ पे क्या
क्या करना था, करेक्ट जगह पे पुट करना था। नाउ पेज नंबर 53 पे, फाइंड द वर्ड इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द क्ल्यूज, यू कैन गो द अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड इवन अ डायगोनल। देखो ये आपको होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है। यहाँ पे जो हमने क्ल्यूज के नाम निकाले है, यहाँ पे क्या है, जंबल वर्ड है, उसको करेक्ट में लिखना है। फिर आपको ये यहाँ पे जो वर्ड हमने ढूंढे हैं वो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है। सो फर्स्ट नंबर द आंसर आर द जंबल, ही शी इम्प्रूव व्हाट द ऑथर हैज राइटन। जो ऑथर होते हैं रिटर्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जंबल वर्ड दिया है उसका आंसर आता है एडिटर। एडिटर क्या करते हैं, ऑथर होते हैं जो लिखते हैं। ऑल बुक्स पोयम एंड स्टोरी आर पार्ट्स ऑफ द, जो बुक्स होते हैं पोयम एंड स्टोरी, ये किसके पार्ट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटरेचर, उसको क्या बोलते हैं हम, लिटरेचर। द बुक वी स्टडी, जो हम बुक की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। द बुक वी स्टडी, जो बुक हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। द बुक वी रिटर्न इन, किस में लिखते हैं हम, जैसे मैथ के क्या लिखते हैं हम, एक्सरसाइज, क्या करते हैं एक्सरसाइज में, सभी लेसन के हम, इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट है उसके हम क्या लिखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। द वर्ड कनेक्टेड टू प्ले एंड थिएटर्स, द वर्ड कनेक्टेड विथ प्लेज एंड थिएटर, उसको क्या बोलते हैं, ड्रामा। ड्रामा क्या करते हैं, हम प्ले करते हैं। द वर्ड ऑफ द सॉन्ग, द वर्ड ऑफ द सॉन्ग उसको क्या बोलते हैं, लिरिक्स, उसको क्या बोलते हैं, लिरिक्स। मेनी पोयम और स्टोरीज टूगेदर, मेनी पोयम एंड स्टोरी टूगेदर, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन। क्या होता है वो, कलेक्शन होता है पोयम्स की, स्टोरी की क्या होती है, कलेक्शन होते हैं। द राइटिंग पार्टनर, जो टू लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, लिखते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, को ऑथर्स। राइटिंग पार्टनर्स उसको क्या बोलते हैं, को ऑथर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, को ऑथर। सो दिस इज पेज नंबर 53। नाउ पेज नंबर 54 विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये जो वर्ड हमने यहाँ पे देखे वही यहाँ पे लिखना है।